अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरे मज़े मज़े के खाने देख रहे होंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अब रमज़ान के लिए कोई प्रिपरेशन करूं, तो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं कटलेट्स। ये मैंने बनाए हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स। इसमें जो मैंने फिलिंग की है वो पिज़्ज़ा की जो फिलिंग्स होती है ना वो की है। तो चलें देखें हम किसको किस तरह से बनाते हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, ये मैंने एक पैन रखा, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और इसमें एक दरमियानी मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैं हल्का सा बस इतना हल्का सा ब्राउन करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा कलर इसका हमें चेंज नहीं करना है। अच्छा, प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई थी, दरमियानी है मीडियम साइज़ की। अच्छा, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन है, बोनलेस चिकन थी ये मैंने इसमें शामिल की। उसके मैंने बारीक बारीक रेशे कर लिए थे, ये 250 ग्राम्स है। सिर्फ मैंने बॉईल किया था इसको नमक और काली मिर्च में, और इसके फिर मैंने रेशे करके डाल दिए थे। और उसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सॉरी टी स्पून मैंने अदरक लहसुन डाला, टेबल स्पून नहीं टी स्पून। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बिहारी बोटी मसाला। बहुत मज़े के बना था, बहुत टेस्टी, और इसका मतलब खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे पास की रखा था मसाला बिहारी बोटी का, ये मैंने इसमें शामिल किया। और साथ ही इसमें 1/2 टी स्पून मैंने गरम मसाला, बस इनफ, और कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर, बस यही चीज़ें जाएंगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स हैं मेरे पास, ग्रीन ऑलिव्स हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, वो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छा, प्याज थी बारीक मैंने काट के रखी थी एक मीडियम साइज़ की, वो मैंने इसमें शामिल की। टमाटर थे जिनका मैंने बीज निकाल दिया था, वो मैंने 1-2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे वो शामिल किया। और ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ये 2 थी। और साथ ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस, अच्छा काली मिर्चें थी, कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर वो 1/2 टी स्पून, ओरिगानो 1/2 टी स्पून, और मिक्स हर्ब 1/2 टी स्पून। और ये चीज़ है मोज़रेला चीज़ थी मेरे पास, तकरीबन 1 कप के बराबर थी, वो मैंने इसमें शामिल की। और नमक डाला मैंने, नमक डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये हमारा इसका कटलेट्स का जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी था। अच्छा, ये आलू थे जो मैंने तकरीबन 1/2 kg से ज़्यादा थे आलू थे, जिनको मैंने बॉईल करके सिंपली और कद्दूकश कर लिया था ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अच्छा, ये 2-3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, इसमें मैंने आलूओं में शामिल किया। और साथ ही 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली। लाल मिर्चों का मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और साथ ही मैंने 1/2 टी स्पून इसमें नमक शामिल किया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमें जो है आलूओं को ज़रा थोड़ा सा ड्राई रखना है। ये देखें हमारे आलू तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ, इसका मैंने एक बैटर बनाया है। मैंने मैदा लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, इसमें मैंने थोड़ी सी बस काली मिर्च शामिल की और नमक शामिल किया। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है मैदे का, बस इतना ही गाढ़ा रखना है हमें, पतला नहीं करना है। अच्छा, अब मैं कटलेट्स बना रही हूँ। ये देखिए मैंने एक लिया, मिक्सर शामिल किया मैंने इसमें। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी, हमें चारों तरफ से इसको दबाना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। अच्छा, मैंने बैटर में डाला, और साथ ही मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब में डालूंगी। अच्छा, इसको बना के इस स्टेज पे आप फ्रीज भी कर सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे कटलेट्स हमारे, और बड़े
अब बड़े साइज़ के तैयार हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं दूसरा बना रही हूँ। ये देखिए, हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छे लगेंगे। इसके साथ मैं एक अच्छा सा सॉस बना रही हूँ, जिसमें मैंने मायनीज़ लिया है, इसके साथ मैंने केचप शामिल किया और हॉट सॉस मैंने शामिल किया 2 टेबल स्पून। तो मैंने थोड़ा सा इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस शामिल किया। और देखिए, हमारा ये मज़ेदार सा हमारा सॉस तैयार हो गया है। चलें अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल शामिल किया और अब मैं इसको कटलेट्स को अपने फ्राई करूँगी। देखें, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप खाने में बिलीव करें, बहुत अच्छे बने थे, बहुत सबको पसंद आए थे। रमज़ान के लिए तो ये बेहतरीन डिश है, तो आप इस तरह से बनाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बनाएंगे। और ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे बने थे आप लोगों के। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं, और मैं आपको एक इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिएगा आप अंदर से, इसका मिक्सचर बहुत अच्छा बना था, बहुत जमी, बहुत टेस्टी था। तो आप लोग देखें, ये देखिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल का आइकॉन इसको प्रेस करें, आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।